शुरुआत से अध्ययन कराना प्रारंभ कराया था। अब उसके पश्चात फिर हमने आप लोगों को अध्ययन कराया था। कौन सा मालूम है आप लोगों को? ध्यान देना चाहिए इस बात का। अब हम कहाँ जा रहे हैं? आगे वन विद्रोह की ओर जा रहे हैं। तो वन विद्रोह से संबंधित जो भी अध्ययन अध्यापनकार है, आप विशेष ध्यान देने का प्रयास करें, क्योंकि अब अपन अंतिम चरण में चल रहे हैं, है ना। इसलिए आप लोग, ये बहुत सरल और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विषय है। बस सिर्फ आपको एक अंदर से लगन उत्साह होना चाहिए, है ना। तो इसमें बहुत सी पुरानी चीज़ें भी हमें जानकारी में मिलती हैं, जैसे हमारे पूर्वज नहीं रहे, है ना, जो बताने वाले, जिन जो समझाने वाले हैं। तो हम इस अध्ययन अध्यापनकार से समझ सकते हैं कि किस समय क्या कैसा होता था, क्या प्रक्रियाएँ थी, क्या नियम थे, क्या कानून थे, कैसे कैसे लोग अपना जीवन यापन करते थे, वनों से क्या क्या होता था। इसी प्रकार वन विद्रोह से संबंधित अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखें और सुने समझें कि हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदाय ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। क्या किया? जो उनके ऊपर थोपे गए थे हिंदुस्तान और दुनिया भर में जो वन्य समुदाय थे, तो वन समुदाय ने क्या किया? अपने ऊपर, वन समुदाय के ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। लेकिन संथाल परगना में सीधू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, नाम सुना है ना आपने बिरसा मुंडा जी का, है ना। तो छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी, कौन? अल्लूरी सीताराम और राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों, है ना, उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। क्या किया जाता है? नायक के रूप में, उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि 3.1 अपन कहने का तात्पर्य यह है कि बस्तर के लोगों के संदर्भ में जो जानकारी देने जा रहे हैं, तो बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर, समझ रहे हैं, बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ है, समझ रहे हैं। दक्षिण छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं में लगा हुआ है, लगा हुआ क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। इसलिए बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। क्या है? बस्तर का जो केंद्रीय भाग है, केंद्रीय भाग पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है, समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। और इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मूरिया, गोंड धुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं, समझ रहे हैं। अलग अलग जवाने बोलने के बावजूद इनके प्रति अलग अलग भाषाएं बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। क्या है? अलग अलग जवान बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और क्या इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी ज़मीन धरती माँ से मिली है, और बदले में वे प्रत्येक खेती हर त्यौहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी जंगल वा पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूँकि हर गांव को अपनी चौहदी पता होती है,
चौहद्दी समझ रहे ना, चौहद्दी पता होती है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल, समझ रहे बच्चों, एक यदि एक गांव, जैसे देख रहे हैं आप चित्र में कि बस्तर में सेना का कैंप लगा, कब का ये, सन 1910 का, समझ रहे बच्चों, ये जो कैंप के संदर्भ में जानकारी दी जा रही है कि बस्तर में सेना का कैंप 1910 में लगा। तो जैसा कि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल में क्या है, जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं, तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, दांड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार है ना, कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए कैसा, समझ रहे बच्चे आप लोग की नहीं, चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगने के गांव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, है ना। तो लोगों के भय, उपनिवेशक सरकार ने 1905 में जब जंगल के दो तिहाई हिस्से को आरक्षित करने, दोमंतु खेती को रोकने और शिकार व अन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे, तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांव को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आगे से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। सब बाकी गांव के लोग बगैर किसी, समझ रहे बच्चों, बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफ़ी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा उपनिवेशक अफसरों के हाथों बेगार और चीज़ों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। समझ रहे बच्चों, क्या थे, त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया, समझ रहे, जब अपन लोग नहीं थे, उस समय की बात है, ये मिली ना जानकारी अपने को। इसीलिए क्या हुआ, जब भयानक अकाल का दौर आया, पहले 1899, फिर उसके बाद में 1900 में, फिर और फिर 1907 में, फिर 1908 में, तो वन आरक्षण में चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में, त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। करें कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। समझ रहे बच्चों, ये प्रश्न आप लोगों से मैं कर सकता हूँ या आपसे पूछा जा सकता है कि आरक्षण सबसे पहले कहाँ से लागू किया गया, तो ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। तो यही लागू हुआ था, हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडा धूर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। जैसा कि 1910 में आम की टहनियां मिट्टी के ढेले मिर्च और तीर गांव चक्कर काटने लगे। यह गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद दी। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनर्निर्माण किया गया। समझ रहे हैं, जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोगों
उपनिवेशक राज और इसके जिम्मेदार और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इस घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम यार्ड ने लिखा है, क्या लिखा है, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। कहाँ चला आ रहा था जगदलपुर में चला आ रहा था। फिर अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों, समझ रहे बात को आप लोग, अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे और आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। समझ रहे हैं, उनके जो वो लगे रहते हैं ना तंबू लगे रहे, तो उन तंबुओं को घेर कर उन पर क्या किया, गोलियां चला दी, बंदूकें चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। क्या हुआ, गांव-गांव घूमने लगे, ज़्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। क्या हुआ था, ज़्यादातर गांव क्या हुआ, खाली हो गए थे क्योंकि ज़्यादा करके लोग भाग कहाँ चले गए थे, जंगलों में। क्यों चले गए थे बच्चों, आप लोगों से ये प्रश्न किया जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ज़्यादातर गांव खाली हो गए थे। क्यों खाली हो गए थे, इस संदर्भ में आप लोगों से प्रश्न किया जा सकता है, क्योंकि लोग भागकर जंगल में चले गए थे अंग्रेजों को। फिर क्या हुआ, ध्यान दे रहे हैं आप लोग बच्चों, अंग्रेजों को फिर क्या किया गया, अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने फरवरी मई लग गए, फिर भी वे गुंडाधूर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की, समझ रहे बच्चों, विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रखी। फिर 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4.60 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह दावेदार के पेड़ क्या किए गए, लगाए जाएं। लेकिन स्थानीय पर्यावरणवादियों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। फिर अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें, जरा देखें कि इस वक्त वहाँ क्या कुछ हो रहा था। बच्चों ध्यान दे रहे हैं, ये देखते कि वहाँ क्या कुछ हो रहा था, जैसा कि अब यहाँ पर देखा है जावा के जंगलों में हुए बदलाव, ठीक है। तो जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पाद द्वीप के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, इंडोनेशिया के चावल उत्पाद द्वीप के रूप में जाना जाता है। लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम देखेंगे भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही